हम काम करता है। नमस्ते, मुझे पता है मैं इसमें इन दिनों खाना बहुत अच्छा मिलता है, पर इतना भी अच्छा नहीं मिलता कि बिल्कुल ही ऊर्जा चली जाए। नमस्ते नमस्ते। जवाहरलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय खबरों से जाते ही नहीं है, और आप खबरों को बरतने वाले व्यक्ति को बुला रहे हैं, लेकिन मुझे आदेश दिया गया है, नो पॉलिटिक्स प्लीज, एंड आई टेक गुड केयर ऑफ इट। यही तो सिखाया है मैं जेएनयू ने, आदेशों का पालन करना। दो तरीके हैं इस बातचीत को दो दिशाओं में ले जाया जा सकता है। एक, मैं बहुत अच्छी अच्छी बातें करूं आपसे, 10-12-15 विद्वानों के कोट जो आप लोगों ने भी याद कर रखे हैं, जगह जगह गिराते रहते हैं। साथ ही मुझे ग्रामशी की जेल डायरी की यह पंक्ति याद आ रही है, साथ ही इसी मौके के लिए अल्लामा इकबाल कह गए थे, या तो अपन वो लंदरानियां करें जो कि जरूरी है, हमने भी खूब सीखी है, काम भी आई है। या दूसरा तरीका यह है कि कुछ कच्ची पक्की लेकिन बेहद सच्ची बातचीत की जाए, जिसका हो सकता है कोई क्रम ना हो। और जब से मुझे मेरे जेएनयू के साथियों का हुक्म हुआ कि आपको आज यहाँ पे आना है, तब से रह रहे कि वो बातें मेरे दिमाग में आ रही है। तो किस राह चला जाए, पहली की दूसरी? दूसरी, दूसरी। दूसरा दूसरी, दूसरी। सच्ची वाली, दोनों। आप में से कितने लोग जेएनयू में पढ़ते हैं? सब सब सारे नहीं, सारे नहीं, मुझे बताया गया कि बाहर से भी आए। हाँ, पीछे कर लीजिए, थैंक यू। मैं भी जेएनयू से ही पढ़ा हूं। आज जो कुछ भी हूं, जितना भी बुरा बिगड़ा खराब हूं, जितना भी मीडिया को खराब कर रहा हूं, उसके लिए जेएनयू जिम्मेदार है। ऐसे बड़ा हल्का सा महसूस होता है। वो क्या सिखाता है जेएनयू आपको? कुछ भारी भरकम थेरीज शायद, कुछ टैग बाहर की दुनिया के लिए शायद, सिलेबस में कुछ बहुत झामफाड़ किस्म की चीजें शायद। जेएनयू से कहीं आगे की चीज है, इसलिए मेरी ख्वाहिश भी है कि इस देश के हर जिले में, हर सूबे में एक जेएनयू हो। क्या है वो जेएनयू? जेएनयू बहुत सारे बाबा लोगों का कुंभ है, और जेएनयू वाले समझ गए कि ये बाबा वो बाबा नहीं है। तो अपन जेएनयू में आए, हमें एक बाबा मिले एसएल की कैंटीन में। बाबाओं की कई कोटियां होती हैं, कई प्रकार होते हैं, जेएनयू में भी बाबा कई प्रकार के होते हैं। जैसे सतलज और झेलम के बाबा को आप ब्रह्मपुत्रा के बाबा के बराबर नहीं रख सकते। झेलम वाला कहेगा मैं बड़ा हूं, और ब्रह्मपुत्रा वालों को तो बूढ़ों का आशियाना कहा ही जाता है। बाबा मिले, हम लोग नए नए थे, एमए में आए थे, बीए वालों की तरह नहीं थे कि कोई गंभीरता से ना ले, एमए में थे। और हिंदी हुपा सेंटर का तब तो बड़ा आतंक था, अभी पता है कि नहीं? नहीं पता। खासतौर पर जिस दिन डब्बा खुलता है उस दिन हुपा का खूब जिक्र होता है। सुना है कुछ ही रोज पहले डब्बा खुला इलेक्शन का, तो वो बाबा आए, बोले क्या फालतू चीजें तुम लोग सुनते रहते हो, हिमेश रेशमिया ऐसा वैसा। हमारे कान खड़े हो गए, हमने कहा अब गुरु ज्ञान गिरने को है। बाबा बोले सुनना है तो शोभा गुट्टू को सुनो, क्या ठुमरी गाती है। अच्छा, जब नई नई छौने आते हैं और बाबा लोग जो राह दिखाते थे, हमको लगता है यही राह है। महाजनो येन गता सा पंथा, विद्वान जो रास्ता दिखाए उसी रास्ते पे जाना है। वापस गए, एमसीएम का सुंदर इस्तेमाल किया। प्रिया में एक दुकान थी, वहां से शोभा गुट्टू की कैसेट खरीद के लाए। तो बाबा लोगों की संगत में रहने का क्या फायदा होता है कि आप छोटे बाबा बन जाते हो, फ्रेंचाइजी मिल जाती है। अब अगली दफा जब हमारी क्लास के लोग जुटे तो वो लोग गाने वाने गा रहे थे,
और उनका स्केल अभी उतना ही था, मतलब वो बहुत पीछे जाते थे तो रजनीगंधा के गाने गाने लगते थे। तो छोटे बाबा ने कहा क्या फालतू चीजें सुनते हो, शोभा गोटू को सुनो। बात आई गई हो गई, पर बात आती है और बात जाती है उसके दरमियान बात ठहरती है। मेरी उस पहले सीनियर ने मुझे सिखाया कि पॉपुलर सुनना जरूरी है, अच्छी बात है, हम सब सुनते हैं पॉपुलर डिस्कोर्स, पॉपुलर गाने, लेकिन इन सब के बीच में क्लासिकल और लोक, उसकी जानकारी रखना बेहद जरूरी है। शोभा गोटू से वो सफर शुरू हुआ। अभी मैं आ रहा था तो गाड़ी में पहले गोविंदा का एक गाना सुना, फिर दिलजीत का सुना, और उसके बाद उस्ताद आमिर अली ने बैजू बावरा के लिए जो आलाप भरा था वो सुना। ये जेएनयू सिखाता है आपको, जो विरुद्धों का सामंजस्य है, नया है उसको बाहें पसारे आलंगन करेंगे, स्वागत करेंगे, पर इसका मतलब ये नहीं कि जो भी पुराना है, जो भी शास्त्रीय है उसे तज देंगे। बाबा लोगों ने और भी बहुत कुछ सिखाया। जेएनयू में आने से पहले मुझे लगता था कि SC ST ये दो संवैधानिक टर्म हैं जिनके जरिए समाज के जो वंचित लोग हैं उन्हें सहायता दी जाती है। स्टेट इस बात की फिक्र करता है कि ऐतिहासिक रूप से उनके साथ जो भेदभाव हुआ है उसको दुरुस्त किया जाए। पर जेएनयू में आके ऐसे तमाम शब्दों को शकल मिलती है, तब ST आपके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म भर नहीं रहता। आपकी ऐसे लोगों से मित्रता होती है जो आपकी तरह हैं, जो आदिवासी इलाकों से आए हैं, अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपने कंसर्न लेकर आए हैं। जेएनयू में आप आते हैं तो आपको समझ में आता है कि सतपुड़ा के उस पार पूरा साउथ नहीं है, हर आदमी मद्रासी नहीं है, हर आदमी सुबह धोती बांध के फिल्टर कॉफी पी के इडली खाता हुआ दफ्तर नहीं जाता है। कर्नाटका और केरला में उतना ही फर्क है जितना पंजाब और बिहार में है। ये सब आप जेएनयू आके सीखते हैं, क्योंकि जेएनयू आपको भाषा की चौहद्दियों में नहीं बांटता है, आपको आपके रीजनल एस्पिरेशन से, आपकी कास्ट, आपकी जेंडर आइडेंटिटी, इनके बारे में अवेयर कराता है, पर इनसे बाहर निकालने में भी मदद करता है। और ये मदद किसी भाषण, किसी सिलेबस के जरिए नहीं होती है, किसी इंकलाबी नारे से नहीं होती है, कोई क्लास टेस्ट नहीं होता है इसका, किसी सेमिनार पेपर में एक पर्चा पढ़ देने भर से नहीं आता है। ये आप रोज कतरा कतरा सीखते हो, कभी गंगा ढाबा पे बहस करके, कभी चार सम्मेलन को झेल के, कभी होली में हुड़दंगा काट के। हमारे एक कॉमरेड मित्र थे, मित्र अभी भी हैं, कॉमरेड अभी भी हैं, थे मतलब जो घटना सुना रहा हूं उसकी बात, गजब के खगोर, इतनी अझेल किस्म के वो पर्चे लिखते थे, हमको लगता था कि इसको बांचने के लिए भी कोई बड़ा विद्वान आएगा, पर होली के दिन उनकी रंगत बदल जाती थी। फिर हमने कुछ ऐसे लोग भी देखे जो खजूर किस्म के थे, खजूर बहुत पसंद करते थे और इसी वजह से इफ्तार का बड़े मन से इंतजार करते थे। जेएनयू जब आप आते हैं तो आपको बहुत सारे वैचारिक आग्रह दिखते हैं, कोई बिल्कुल मुट्ठी भींचे लाल सलाम कर रहा है, कोई जय श्री राम कर रहा है, कोई लाल सलाम के भी दूसरे कोने पे है और कोई जय श्री राम के भी दूसरे कोने पे, गिरिराज सिंह वाले कोने पे है। पर जेएनयू में अब तो नहीं पता, हमने इन सब धाराओं के साथ रहना सीखा। ये जो अल्ट्रा राइट और अल्ट्रा लेफ्ट वाले थे वो जब GBM के बाहर मिलते थे तो बड़ा मन से मिलते थे, पता नहीं अब मिलते हैं कि नहीं, इतने मन से तो जी न्यूज और NDTV वाले भी नहीं मिलते हैं जितने मन से मिलते थे। तो जेएनयू आपको दूसरा सबक ये देता है कि भले ही मैं आपके थॉट प्रोसेस को सब्सक्राइब करूं या नहीं, बट वी कैन को एग्जिस्ट पीसफुली। और तीसरा और आखिरी सबक जो जेएनयू देता है वो ये है कि पढ़ाई और जिंदगी सिर्फ
मुनीर का या वसंत कुंज या वसंत विहार, ये तीन चरण हैं कथित प्रगति के। बुद्ध विहार, बुद्ध विहार से वसंत विहार तक का सफर है, 615 से 6150 नंबर की मर्सिडीज तक का सफर, ये बहुत सारे लोग तय कर लेते हैं जेएनयू के बाहर भी और जेएनयू के भी। पर कुछ जिम्मेदारियां भी है ना, इतना सस्ता नहीं मिल जाता, ऐसे ही तो 250-400 रुपए में हॉस्टल नहीं मिल जाता साउथ दिल्ली जैसी जगह में, ऐसे ही तो एमसीएम स्कॉलरशिप नहीं मिल जाती। किसका पैसा है, किसका पैसा है जो हम पे खर्च हो रहा है, किसका पैसा है जिसके भरोसे मेरे बाबूजी जिनके खेत में अनाज ढंग का हुआ है नहीं हुआ है, किसान क्रेडिट कार्ड के सहारे खेती चल रही नहीं चल रही है, फिर भी वो निश्चिंत सोते हैं सही जगह है बच्चा पढ़ लेगा कुछ। किसका पैसा है जिसके सहारे हमें यूजीसी नेट की कोचिंग नहीं करनी पड़ती, चौड़ में जाते हैं जामिया में थर्ड सेमेस्टर में देते हैं फोड़ फाड़ के आ जाते हैं, किसका पैसा है ये? किसका पैसा है जो इन इमारतों को लाल रखता है? जिनका पैसा है उनको हम याद रखें यहां से निकल के भी, इस देश के लोग। और ये वो लोग नहीं हैं जिनके लिए 1 रुपए, 100 रुपए, 1,000 रुपए या 1,00,000 रुपए का कोई मूल्य नहीं है, ये वो लोग हैं जिनके लिए मेट्रो का किराया अगर 2 रुपए बढ़ जाए तो वो विकल्प खोजने लगते हैं, उनका भी तो पैसा लगता है ना इस विश्वविद्यालय में। उन लोगों से मैं मिलता हूं चुनाव में, आपको भी मिलवा देता हूं, मिलना चाहेंगे उन लोगों से? क्या इतने गंभीर गीत सुना रहा हूं सन्नाटा हो गया? बिल्कुल, 5-6 किरदार हैं। एक महिला मिली दंतेवाड़ा में, छत्तीसगढ़। अच्छा, दंतेवाड़ा सुनते ही लोगों के कान खड़े हो जाते हैं, उनको लगता है अभी एक आईडी ब्लास्ट होगा और कुछ पर्चे फेंक दिए जाएंगे। ये अर्ध सत्य है, दंतेवाड़ा बेहद खूबसूरत जगह है, शिक्षा को लेकर वहां कई अहम प्रयोग हो रहे हैं। मैं पिछले दिनों छुट्टी में घूम के आया, कांते वंश के बहुत सुंदर मंदिर है, बहुत सुंदर जलप्रपात है, चित्रकूट है, तीरथगढ़ है, बस्तर बहुत खूबसूरत है, कभी भी मौका लगे जरूर जाइएगा। दंतेवाड़ा के गांव में मुझे एक महिला मिली जो आंगनबाड़ी का काम करती है। उन लोगों को लगता है कि जो भी कार से उतर रहा है और उसने पैंट शर्ट पहन रखी है, चश्मा चश्मा लगा रखा है, वो साहब है, अफसर है। वो महिला मेरी माँ की उम्र की थी, चुनाव की कवरेज करने गए, उन्होंने बताया कि साहब यहाँ रास्ता बना दिया है प्रधान ने, वही समस्याएं जो लगभग हर गांव में है, प्रधान ने रास्ता यहाँ बना दिया लेकिन यहाँ तो कोई जाता नहीं, बस प्रधान के खेत को ये रास्ता जाता है। और उन्होंने समस्याएं बताई, कई लोगों को वहां हिंदी में नहीं आती थी तो भाषा की समस्या भी आई। जब गाड़ी में बैठने लगे तो एक महिला आई, उन्होंने हाथ जोड़ लिया, मेरी माँ की उम्र की महिला। उनका कहना था भैया महीने का 800 मिलता है, खर्चा नहीं चलता, 1200 करवा दो। 800 रुपए मिलता है, महीने का खर्चा नहीं चलता है, घर द्वार भोजन पढ़ाई बच्चों की कपड़ा लत्ता दवाई 1200 करवा दो। और ये बोलते वक्त उनकी आंखों में उतनी करुणा थी कि यदि मैं कवि होता तो शायद वाल्मीकि हो जाता, जितनी करुणा वाल्मीकि की आंखों में रही होगी क्रौंच पक्षी का वध देखते हुए, उतनी करुणा। तो अगली दफा जब आप बहस करें तो ये 800 और 1200, ये 400 रुपए का फर्क याद रखें। पीलीभीत के एक गांव में गया, गांव में एक भाई साहब मिले, बढ़िया मोबाइल लिए, जियो जवानी वाले दौर के भाई साहब, 21 साल उम्र, दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, कभी कभी मिल जाए, चुनाव का वक्त था तो गांव में आए हुए थे। बबलू नाम था भाई साहब का, भाई साहब के 5 बच्चे थे, यू हैड इट राइट, 21 साल की उम्र 5 बच्चे।
महान देश है नहीं, नहीं देश वाकई महान है, ये हंसने की चीज नहीं है। ये देश महान है क्योंकि हजारों वर्ष पहले हमारे पुरखे जानते थे कि नालियां ढकी होनी चाहिए, तो क्या हुआ जो हमारे जमाने में नहीं ढकी है। सिंधु घाटी सभ्यता में नालियां ढकी होती थी, पुरखे थे जो जानते थे कि अन्नागार कैसे होने चाहिए, पुरखे थे जो जानते थे कि सड़कें समकोण पर कटी हो तो बेहतर है। और हम क्या जानते हैं कि साहब जो गंदी किस्म की चीजें हैं ना वो 10 बजे के बाद दिखानी चाहिए, जैसे बिग बॉस, जैसे कॉन्डोम का एड। बाकी क्या है जनसंख्या का, एक इश्तेहार है, हम दो हमारे दो दो फूल बनाने हैं, दीवार पर पोतना है, दीवार पे इश्तेहार पोतेंगे, फिर कोई सुसु कर देगा, फिर दूसरा इश्तेहार लिख देंगे गधे के पूत यहां मत मूत। ये मुल्क इश्तेहारों से चलता है। तो एक ऐसे महान मुल्क में जहां बहुत सारी प्राथमिकताएं हैं, एक बबलू है जो 21 साल का है और जिसके 5 बच्चे हैं, और बबलू बहुत गंभीरता से, बबलू आप लोगों की तरह नहीं है फुर्सत में बैठे चले आए बैठ गए ऑडिटोरियम में एसी वाले, बबलू गंभीर लड़का है, उसका रोजी रोटी का हिसाब फिक्स है, और वो बहुत गंभीरता से सोच रहा है कि बस छठवां लड़का हो जाए तो आगे बच्चा नहीं करे। लड़के भी यहां बैठे हैं और होमो सेपियंस है तो उनकी भाषा भी है जिसमें मैं आपसे संवाद कर रहा हूं। मुझे आज तक समझ में नहीं आया ये लड़कों के कौन से सुरखाब के पर लगे होते हैं जो लड़कों को लड़के चाहिए, लड़कों की पत्नियों को कहा जाता है कि लड़के चाहिए, उन पत्नियों की जो सासू मां है उनको भी लड़का चाहिए, ससुर को भी चाहिए, रिश्तेदारों को भी चाहिए, मतलब कितने लड़के चाहिए, चाइना बन रहे क्या लड़के, और क्या करोगे इतने लड़कों का, मतलब जो है उन्होंने क्या ही कर लिया है, मतलब क्या करेंगे, बिट्टू की दुकान पे खड़े होकर सिगरेट लेंगे, नहीं सॉरी अब तो बिट्टू की दुकान पे नहीं मिलती है, बाहर जाना पड़ता है, या वो रेलवे का जो ट्रेन का कोच होता है, कई पिकासो होते हैं लड़के और कई लड़के पेशाब घर के पिकासो होते हैं, तो वो जहां की डिजाइन बनाते हैं बहुत अच्छी, मुझे बड़ा गुस्सा आता है, वो लड़कों पे नहीं आता है, ड्राइंग के टीचरों पे आता है, इतने होनहार, इतने ये हुसैन और सूजा और न्यूटन, इनको समय से स्केच बुक मिली होती तो आज क्या कमाल कर रहे होते, सॉफ्ट पार नहीं मिला बेचारे वहां बना के आते हैं। तो बबलू को लड़का चाहिए, शास्त्र हैं अलग अलग धर्मों के बताते हैं पुत्र नहीं हुआ तो किस नरक से त्राण नहीं मिलेगा। ये बात और है कि पुत्र करने के लिए आपने जिस किसी की भी पुत्री है उसकी जिंदगी में पर्याप्त त्राण अभी दे दिया है, बाकी साइंटिफिक टेम्परामेंट वाले लोग हैं, चंदा मामा पास के हो गए हैं, बस इतनी साइंस नहीं समझा पाए हम अपने घर परिवार वालों को, बुनियादी सी चीज। ये जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय है, पंडित नेहरू कहा करते थे साइंटिफिक टेम्परामेंट। एक दफा दौरा करने गए वो भाखड़ा नांगल बांध, चीफ इंजीनियर वगैरह सब लोग हाथ बांध बांधे खड़े हुए थे। अक्सर ऐसा ही होता है, सत्ता के सामने सारे कामगार हाथ बांधे खड़े रहते हैं, बैठ जाओ भाई साहब, सूट भी अच्छा लग रहा है आपका, कुर्सियां भी खाली। तो उन्होंने पूछा कि ये जो मजदूर यहां काम कर रहे हैं इन्हें पता है ये क्या कर रहे हैं, बोले हां साहब इन्हें पता है, यहां से ईंट उठानी है वहां डालनी इनका काम है। बोले नहीं, ये सिर्फ ईंटें नहीं रख रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह तक, इनको बुलाइए। लंच ब्रेक हुआ, बोला जी आइए आपसे बात करेंगे, डर गए बेचारे को गड़बड़ कर दिया क्या। तो नेहरू जी ने आधा घंटा तक उनको समझाया कि तुम सिर्फ रोजी नहीं कमा रहे हो,
तुम सिर्फ पत्थर एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा रहे हो, तुम बांध बना रहे हो, तुम देश बना रहे हो। देश बन रहा है और जेएनयू ने हमें सिखाया है कि उम्मीद एक जिंदा शब्द है, तो अच्छा बन रहा है। इतनी बढ़िया सीटी बजाई जिसने ही बजाई। हम चाहते हैं कि वो हमको हमारे सेशन के बाद मिले। और भी कई लोग हैं जिनसे चुनाव में मिलता हूं, जो मेरा देश है, भारत है, जिनकी बुनियाद पर, जिनके बिना पे मैं इस जेएनयू में पढ़ता हूं, आप पढ़ते हैं। मुरादाबाद में एक व्यक्ति मिले, पैदाइश से मुस्लिम, चुनाव में मिले, सरकारों से नाराज थे, होना चाहिए, मतदाता अमूमन सरकार से नाराज रहते हैं, कोई भी सरकार हो। बहुत सारी भीड़ थी मुरादाबाद में, कोई कुछ बोल रहा था, किसी को मंदिर चाहिए, किसी को मस्जिद चाहिए। उस आदमी ने बड़े काम की बात कही, कुछ जरदोजी का काम करता है, 150 रुपए। कभी स्कूल नहीं गया, मदरसे नहीं गया, आपको पता है उसने क्या मांगा? बोले राम, ये मंदिर मस्जिद सब ठीक है, बिजली बिजली सड़क भी ठीक है, देश सुरक्षित है, अच्छी बात है, आप तो बस इतना करवा दो कि हमारा बच्चा पढ़ जाए। इतनी बुनियादी और जरूरी चीज है कि एक आदमी जो कभी स्कूल नहीं गया, जो एक शोर के बीच खड़ा है, कोई कुछ मांग रहा है, कोई कुछ मांग रहा है, उसने पढ़ाई मांगी है, उसने पढ़ाई मांगी है, तुम्हें पढ़ाई मिली है, इसकी कद्र करो। पिछले दिनों एक किताब पढ़ रहा था, एक हम लोग ललन टॉप में सेगमेंट करते हैं किताब वाला, मनीष सिसोदिया, नाम सुना है किसी ने? केजरीवाल बड़ा खुश होंगे आप लोग। उनकी एक किताब आई है शिक्षा के नाम से, उसमें उन्होंने लिखा कि एक दफा वो स्कूल का दौरा कर रहे थे तो देखा एक कमरे में टीचर रो रही है, जाके पूछा क्यों रो रही हो? बोले सर, हमें लगता था कि हम बहुत महान काम कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, हम इतनी मेहनत से पढ़ा रहे हैं, लेकिन घर पे इन बच्चों का ध्यान नहीं रखा जाता, तो खींच होती है कि इतनी मेहनत का क्या फायदा। पर आज सर पेरेंट्स टीचर मीटिंग थी, इसके पिता आए थे इस बच्ची के। सर इसके पिता सुबह 4 बजे उठते हैं, 4 बजे से 7 बजे तक गाड़ियां साफ करते हैं, 7 बजे सब्जी का ठेला लगाते हैं, 2 से 3 बजे लौट के आते हैं और शाम की पाली में एक सोसाइटी के गार्ड हैं। मुझे पता है कि जेएनयू में ज्यादातर ह्यूमैनिटीज पढ़ी जाती है, मैंने भी पढ़ी है, पर इतनी तो अंकगणित सबकी दुरुस्त है कि इन पूरी नौकरी और शिफ्टों के बीच सोने के लिए कितना समय मिलता होगा उस व्यक्ति को, कितना सोने के लिए, कितना अपने बच्ची को पढ़ाने के लिए। पर फिर भी वो अपनी दिहाड़ी का नागा करके पीटीए में आया, टीचर इसलिए रो रही थी। हम जेएनयू में जो पढ़े, जो बने, कोई मुनीर का जाएगा, कोई अमेरिका जाएगा, समय से चले जाना। कुछ लोग जेएनयू छोड़ नहीं पाते हैं, साथ में जाइएगा, 11-12 बजे गंगा ढाबा मिलेंगे, ये बाबाओं के भी बाबा हैं, ब्रह्म राक्षस किस्म के। और उनकी बातें पता कैसी होती हैं, जैसे तुम्हारा कोई वीसी है अभी, है ना, या कोई प्रोफेसर है, तो वो उसको उसके फर्स्ट नेम से बुलाएंगे, क्यों? क्योंकि वो खुद भी फॉसिल है। बोले यू सी, मैं यहां पे आया था ग्रेजुएशन में एंड देन कांति सेड दिस। अब आप झटके में आ गए, कांति? बोले हाँ, यू नो कांति वाजपेयी। तो आप बोले यार, कांति वाजपेयी इतना बाबा आदमी, इतना बड़ा प्रोफेसर, फिर वो दून स्कूल में चले गए और ये फर्स्ट पर्सन ले रहा है, क्योंकि वो उस जमाने के लोग हैं। बोले हाँ यार, वो चंदू थे मेरे जमाने में, हम लोग बिहार भवन गए थे। आप लोग भी जाइए,
बिहार भवन जाइए, धौलपुर भवन जाइए, सब भवन जाइए, समय से जाइए। जेएनयू में समय से आना, जेएनयू से समय से जाना, ताकि जो जेएनयू में सीखा है उसको जिंदगी में और देश पे अप्लाई कर सको, बेहद जरूरी है। कई लोग मजाक में जेएनयू का एक प्लेटफॉर्म बताते हैं, असंसदीय किस्म का है, डैश नहीं उखड़ता है, बहुत कुछ उखड़ सकता है। ललन टॉप बना है तो ललन टॉप की जर्नी में कई बार ऐसे मौके आए जब बढ़िया इंग्लिश पिक्चर, एकदम कॉर्पोरेट कमरा है ना, शू शा वॉटन वॉटन के पड़े हुए, एकदम बैलेंस शीट से नीचे बात ही नहीं कर रहा है ब्रो डूड। अब हमारे लिए तो बाबू भैया की कैंटीन की कॉफी है SIS की, और उनकी कॉफियों के प्रकार भी 12 किस्म के हैं। नहीं नहीं, कैपेचिनो के अलावा भी कॉफी होती है। एकदम इंग्लिश अमेरिकानो एस्प्रेसो सिंगल शॉट डबल शॉट, पर चूंकि अपन तो जेएनयू से थे तो जेएनयू क्या करता है आप लोगों को पता नहीं होता। जब आप लोग पहले दिन फॉर्म भरते हो ना, उसमें एक केमिकल लगा होता है, तो आप वो फॉर्म पलटते हो तो वो आपकी ऐसे स्किन से अंदर चला जाता है और आपका DNA चौड़ा हो जाता है। आप समझ जाते हो कि आप चौड़े हो गए। बाकी क्या है, अपन ने अपने प्रोफेसरों को झेल लिया, उन्होंने कहा था 12 को सेमिनार पेपर दो, अपन ने 19 को दिया। ये कॉर्पोरेट जगत की क्या मुश्किलें हैं। तो जेएनयू चौड़े में रहना सिखाता है, जेएनयू सिखाता है कि अपनी जमीन, अपनी मां, अपना ज्ञान, अपनी पृष्ठभूमि, ये सब शर्म करने की चीज नहीं है। आपका तो नहीं पता, और मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसा ना ही हुआ हो। हमारे जमाने में इस बात का लोड नहीं होता था कि तुम्हारे पापा की तनख्वाह कितनी है। बेटा वो तुम्हारे पापा की है, तुम क्या हो, ग्रेड कितना आया, कितनी किताबें गिराई हफ्ते में, इससे आपका स्तर तय होता था। हल्के माने जाते थे वो लोग जो हल्की बातें करते थे, जाति की प्रांत की हल्की बातें। जेएनयू आपको सिखाता है कि आप जिन हालातों में पैदा हुए हैं वो एक फैक्टर हो सकते हैं आपकी जिंदगी का, पर पूरी जिंदगी वही नहीं तय करेंगे कि आप क्या हैं। आप जो ज्ञान अर्जित कर रहे हैं किताबों में और किताबों के इतर आदमियों में, और उस ज्ञान को हासिल करने के बाद जिस रास्ते पे चल रहे हैं, वो तय करेगा कि तुम क्या हो। तुम गुजर हो, पाड़े हो, खान हो, फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि लास्ट टाइम आई चेक ऑक्सीजन दोनों ले रहे थे, बढ़िया सैयद भी और कानी कुबजिया चित पावन ब्राह्मण भी, दोनों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। गुरुत्वाकर्षण भी जमीन दोनों पे बराबर लगा रही थी। फर्क इससे पड़ता है कि आप इस जीवन को कैसे बरतते हैं। आप भारत के सबसे सौभाग्यशाली लोग हैं, क्योंकि आप हिंदुस्तान की सबसे शानदार यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, जो आपको सिर्फ डिग्री नहीं देती, एक बेहतर इंसान बनाने के लिए कमरों में, कक्षाओं में, ढाबों पर, गलियारों में रोजाना, हर पल, हर दिन सिखाती है। बहुत बहुत शुक्रिया।